हर घुस के किसी को गोली मार देना, ये कितना दुख का बात है। जिस क्षेत्र में 5 बार से विधायिका है, उस क्षेत्र का थाना या जो भी यहाँ का विधि व्यवस्था है वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। उस थाना का यहाँ पे कोई भी डर भय नहीं है, और कहीं से अपराधी आकर के गोली चला के चले जाता है। जब आदमी घर में सुरक्षित नहीं है तो जनता परिवर्तन चाह रही है। दिन रात मेहनत करेंगे और जाने ऊपर वाला, जाने जनता भगवान। 25 में मैच फाइनल होने से पहले 24 में हो रहा है सेमीफाइनल, आप ये सुने होंगे। 25 में मैच फाइनल होने से पहले 24 में हो रहे हैं मैच सेमीफाइनल, इनसे जानते हैं। अभी रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का चर्चा है, उपचुनाव बने हुए, और उपचुनाव का जो 10 तारीख, अगले 10 तारीख को जो मतदान होने वाला है, इनसे जानते हैं। हमारे साथ मैडम जुड़ी हुई है, इनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं सुनो, आप देख रहे स्टार टॉप न्यूज बिहार, दिल की बात जनता के साथ। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। जी मैडम, अभी बकरीद आगे में चले, इसमें सबसे पहले आप अपने पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, बकरीद का त्यौहार है। मैं बकरीद के शुभ अवसर पर तमाम हमारे रुपौली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे हमसे जुड़े हुए हमारे श्रद्धालु भाई मतदातागण है, सभी को मैं उनका ढेर सारा बकरीद का ढेर सारा शुभकामना देती हूँ। मैडम, क्या आप इतने दिन से अभी मैडम लगे हुए हैं, आप मतलब लगा जिस दिन से आपका फाइनल किया है कि हमें चुनाव लड़ना है, निर्दलीय ही लड़ना है, और जिस तरीके से आप निकल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है पब्लिक का रुझान? मैडम देखिए, पहले तो मैं अभी जो है भवानीपुर मार्केट में हमारे बड़े भाई गोपाल जादुका जी के घर पे मैं आई हुई हूँ। उनकी हत्या हो गई, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मैं थोड़ा सा बीमार थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी। मैं उनके घर पे अभी आई हूँ और उनके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करती हूँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं जब जब चुनाव होता है ऐसे भी मैं भवानीपुर आती हूँ तो उनसे मिलती हूँ। बहुत ही अच्छे थे, अच्छी अच्छी बातें कहते थे, मुझे समझाते थे। मेरे पति के लोकप्रिय थे। मेरा एक भवानीपुर में जैसे घर होता है वैसे मैं भी इस घर की फैमिली मेम्बर थी। मुझे उन फैमिली से बहुत लगाव था। मैं उस बार भी आई थी तो मैं भाभी लोग के साथ बैठ के जो है नाश्ता की थी। ये चीज़ सुन के बहुत मेरा दिल आहट हो गया। मैडम, एक पब्लिक का सवाल है कि जिस तरीके से 25 साल से आखिर ऐसा क्या कि जो आखिर मतलब पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, 25 साल से पब्लिक का सवाल है। देखिए, 2021 से मेरे पति पूर्व विधायक शंकर सिंह जी चुनाव मैदान में निर्दलीय से आ रहे हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में जब थे तब से, बक्सर जेल में थे तब से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद 2005 में जो है उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पार्टी से उनको टिकट मिला तो वो चुनाव जीते, और किसी परिस्थितिवश सरकार नहीं बनी तो इनका जो है फिर से चुनाव हुआ। एक चुनाव फरवरी में हुआ था, दूसरा नवंबर या अक्टूबर में हुआ था, तो उसी में वो चुनाव हार गए, तो उसमें शपथ भी नहीं हो पाई थी। तो लगातार जो है ये चुनाव, फिर 2010 में चुनाव हुआ उसमें भी पार्टी से आए, फिर 2015 में जो है निर्दलीय से आए, किसी परिस्थितिवश पार्टी टिकट नहीं मिल पाया तो वो निर्दलीय फेस किए, फिर 2020 में उनको पार्टी टिकट दी तो 20 में चुनाव लड़े। और इनका जो वोट का रेशियो है वो हर चुनाव में बढ़ते जा रहा है, मतलब लोगों का जन समर्थन जो इनको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त है। लेकिन होता है ना कि कोई भी फील्ड में आता है तो एक ही विनर होता है। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं लेकिन जीतते कोई एक है, लेकिन उससे हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि जब मेहनत कर रहे हैं तो कभी न कभी फल मिलेगा ही। और अभी जो है 2024 है, 2025 में चुनाव होने वाला था, लेकिन रुपौली में जो है अभी सीट खाली है, उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें भी जो है इनको गठबंधन के तहत जो है टिकट जदयू का खाता में चला गया तो इनको नहीं मिला। तो ये जो है अपने घर पे हमारे पति पूर्व विधायक शंकर सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके LJP लोक जनशक्ति पार्टी और अपने प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने का कारण क्या है? क्योंकि जनता जो है रुपौली के 42 पंचायत से इनको जो है सब फोन करके बोल रहे हैं कि विधायक जी शंकर जी आप जो है क्षेत्र में आइए, चुनाव लड़िए, आप पीछे नहीं हटिए, हम सभी महानुभाव जनता भगवान सब आपके साथ हैं। तो जो जनता का समर्थन मिल रहा है उसी के बल पे जो है ये 20 तारीख को नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से मैडम नॉमिनेशन देने के बाद क्या लगा, अगर आप इस विधानसभा अगर जब बाजी मार लेते क्या विकास होगा जी यहाँ पे? बिल्कुल होगा। मैं इससे पहले भी जो है 2011 से राजनीतिक में हूँ। 2011 में मैं क्षेत्र संख्या 05 रुपौली टीकापट्टी से चुनाव लड़ी, उसमें भी मैं चुनाव जीती, और
फिर मैं 2000 जो है 16 में पूर्णिया से वार्ड में भी मैं जीती। उसके बाद जो है 2000 इसमें 20 में भी मैं चुनाव लड़ी 21 में, तो उसमें मुझे रुपौली की जनता ने जिताने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हम पति पत्नी क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता का जो है फुल समर्थन प्राप्त है, उसी के बलबूते पे हम लोग चल रहे हैं। मैडम एक अहम सवाल है, लास्ट सवाल है कि जिस भवानीपुर के धरती पर बैठे हुए हैं, भवानीपुर बस स्टैंड हो या जहाँ भी हो, एक भी मैडम ऐसा अभी तक बाथरूम शौचालय नहीं बना, महिला लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ आने जाने में। वो तो है, ये है बहुत तरह का समस्या। सबसे बड़ा समस्या तो भवानीपुर का है नाला, क्योंकि कई चुनाव में फेस करते हैं, ऊपर वाला का कृपा हो कि जो भी हो नहीं जीत पाते हैं। मन में बहुत तरह का अपेक्षा रहता है कि एक बार जो है हमारे पति जीत के जाए विधानसभा में, और वो जो है भवानीपुर मार्केट में जो है नाला का पहले काम करवाएं, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े व्यवसायी हैं सबको देखते हैं पानी में डूबे हुए रहते हैं। जब बारिश का समय रहता है उसमें वो बिजनेस करते हैं, तो ये देख के हमारा दिल में बहुत कष्ट होता है। लेकिन हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर हम हमारे पति जीत जाते हैं तो हम पहला प्राथमिकता रखेंगे भवानीपुर में मार्केट में नाला का काम करवाएंगे। जिस तरीके से आपके रुपौली विधानसभा में जिस तरह जाना जा रहा है कि मतलब अपराधी बढ़ते चला जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या कहना है, जो यहाँ पे विधायिका है जो कई वर्षों से 25 वर्ष से जीतते आ रही है, उसके बाद भी देखिए कितना तरह का अपराध हो रहा है, कितना तरह का क्राइम हो रहा है, कितना तरह का जमीन जो है हड़पा जा रहा है, कितना जमीन ब्रोकरिंग किया जा रहा है, तो क्या क्या किया जा रहा है वो तो सब सबके नज़र पे है। तो परिवर्तन चाहिए, जनता परिवर्तन चाह रही है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो आदमी को सुरक्षा कैसे मिलेगा? अभी जो इस तरह की घटना हो गई, ये इतने अच्छे इंसान थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, और घर घुस के किसी को गोली मार देना, ये कितना दुख का बात है। जिस क्षेत्र में 5 बार से विधायिका है उस क्षेत्र का थाना या जो भी यहाँ का विधि व्यवस्था है वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। उस थाना का यहाँ पे कोई भी डर भय नहीं है, और कहीं से अपराधी आकर के गोली चला के चले जाता है। जब आदमी घर में सुरक्षित नहीं है तो जनता परिवर्तन चाह रही है, और परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये उपचुनाव जो है बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, कम दिन का है। विधायक जी कई वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सेवा के भाव से सेवा करते आ रहे हैं। चुनाव हारे या जीते, उनके पास जो भी कॉल आता है किसी भी परिस्थिति में, जो भी करे, छोटा बड़ा दबा कुचला जो भी फोन उनको करता है, वो जिस परिस्थिति में रहते हैं वो पहुंचते हैं, पान पान डंडी लेकर खड़े रहते हैं, स्व शरीर स्व हृदय स्टेयरिंग पे बैठ के गाड़ी चला के खुद से आते हैं। तो वो जो अपराध को बढ़ावा देता है तो उसको रोकता है कौन? शंकर सिंह। तो इसको रोकने के लिए शंकर सिंह है, तो शंकर सिंह को भी अगर जनता उस लायक बनाएंगे, मजबूत होंगे, तब तो वो हर व्यवस्था को सुधारेंगे। जब व्यवस्था नहीं है तो दमखम से वो मजबूती से जनता के साथ रहते हैं। आज भवानीपुर में देख लीजिए, पिछले चुनाव में जब आए थे तो इतना मनमरू है, किसी को उठा के लेके चला गया, हम नाम क्या किसी का बोले, फिर हम जाकर के जो उसको थाना से छोड़वाए, फिर एक को ले जाकर के उधर मारपीट किया, उसको हम चुनाव पीरियड में कॉल आया तो उसको जाकर के हम वहाँ से ये किए, फिर पूर्णिया में जाकर के किस तरह का कांड किया। तो इस तरह का तो सोच का आदमी अगर रहेगा तो परिवर्तन विकास कैसे होगा? उनको तो है कि हमको पार्टी अच्छा पार्टी से टिकट मिल जाता है उनका, कभी चल जाते हैं जदयू में, कभी आरजेडी में, कभी किसी पार्टी में, तो इससे उससे जाकर के और जीत जाते हैं, जीत के अपना रहते हैं कि हमको तो पब्लिक देवे करेगा, हमको क्या पब्लिक का सेवा करना है। शंकर सिंह है ये है, हम किसी को धमकाते हैं वो जाता ही है, वो अपना इसमें है एटीट्यूड में, किसी से मिलना, किसी का दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। ब्लॉक में देख लिया आज खुलेआम दलाली चल रहा है, ब्लॉक के कोई मतलब एक भी कर्मचारी सही से अपना काम नहीं करता है, नहीं कर रहा है। आम आदमी चले जाता तो उसको पूछता भी नहीं है, अगर किसी का पैरवी रहता तो सुना जाता है, नहीं तो उसको हटा दिया जाता है, जाओ जाओ क्या करने आया है। तो इस तरह का अत्याचार कब तक चलेगा? इसको रोकने के लिए जनता अब जग चुकी है, जनता को निर्णय लेना है। जनता जनार्दन भगवान है, वो सर्वोपरि है, पार्टी दल से ऊपर उठ के एक अच्छे मजबूत लोग को चुने जो कि सबके बीच रह के सबको मजबूती प्रदान कर सके, सबको सुरक्षा दे सके। मैम लास्ट मैडम एक क्वेश्चन है कि मतलब कितने तारीख को नॉमिनेशन करने वाले? 20 तारीख को दे रहे, 20 जून को। ये पब्लिक को क्या कहना चाहिए? पब्लिक को कहेंगे कि जितने भी शंकर सिंह के फैन हैं, जितने भी उनके शुभचिंतक हैं, सभी भारी से भारी संख्या में आइए उनके पास, एक एक लोग आइएगा तो एक एक वोट दीजिएगा सभी उनके पास। तो आप देखें ही कि कोई दल से नहीं मिला तो निर्दलीय हैं, उनको तो सबका समर्थन चाहिए। और पप्पू यादव जी भी देखिए,
उनको भी पार्टी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय आए, उनका इतना मेहनत रहा, वो मेहनत रंग लाया, तो उनसे देख के हम लोग को भी एक प्रेरणा मिलता है और हम लोग भी दिन रात मेहनत करेंगे और जाने ऊपर वाला, जाने जनता भगवान।